हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। वी एट जीडी गोयनका नर्चर द इनहेरिटेड पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड बाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इन अटल टिंकरिंग लैब स्टूडेंट्स विल बी वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। प्रोविजन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल contributes in holistic development of students. The sports infrastructure and coaches facilitate Goenkans in getting medals even at national level. School doesn't mean academics only. Along with good studies, we also transform students into an ideal personality, and that is something which stands us out. Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. सरकारी कार्यालयों से, सरकारी कर्मचारियों से मेरा डेली का वास्ता है, तो मुझे पता है, मैं बिल्कुल आपके सामने ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि करप्शन कहीं ना कहीं फैला है, बड़ा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली सरकार के ही अपने पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। दावे के साथ कहने वाले जिला परिषद के पार्षद देव मलिक ने कहा कि भ्रष्टाचार कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। दरअसल ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बबैल रोड पर मुख्य नाले का निर्माण कार्य तो हुआ, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार खुलकर हुआ। नाले का पानी ड्रेन में जाने की बजाय उल्टा लोगों के घरों में वापिस आ रहा है। साथ ही सड़कों पर भी गंदा पानी फैल गया है, जिस कारण लगभग 10,000 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। बावजूद इसके कि नाले को बनाने के लिए 70 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, इसके बाद भी ये हाल है। पिछले 2 साल से कोई समाधान नहीं होने के कारण आज कॉलोनी वासी सेक्टर 13-17 में मेयर अवनीत कौर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और समस्या का समाधान करने के लिए नारेबाजी भी की। जब तक हमारी समस्या पूरी नहीं होगी तो हमारी समस्या पूरी करो, हमारी समस्या पूरी करो, हमारी समस्या पूरी करो। हाँ जी, हाँ जी 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 जी, नमस्ते बहन जी, ठीक है आप? बढ़िया, बस बढ़िया। हमारी समस्या की तब भी तो थोड़ा ध्यान करो ना जी। कलोनी भागी पानी की। आपको 2-3 महीने पहले भी हमने आपको पत्र लिखा, अखबारों के माध्यम से भी आपके पास सूचना मिल गई थी आपको, और फिर भी हम नहीं 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 ऐसा जी, ये लोग सारी जगह कंप्लेंट, ये शिकायतें देकर थक चुके थे। तब इन्होंने मेरे को बताया, मगर भाई इसका तो समाधान कोई और है नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं मिला, लेकिन ये लोग सारे नगर निगम में जाकर सभी जगह कंप्लेंट देकर थक चुके सारे के सारे लोग। तो मैंने भी आपको पत्र लिखा है, मैं भी आपको दिसंबर के महीने में ना, मैं आपको दिसंबर के महीने में पत्र लिख चुका हूँ। हाँ बताइए। नहीं कर रखा ना जी, कोई आया तो नहीं वहाँ तक, आपकी फॉरवर्डिंग से बात नहीं बनती। ऐसा बहन जी सुनो मेरी बात, आप तो मारे, चलो कोई बात नहीं, आप इसके नगर निगम के मेयर हो, हम चाहते हैं इसके नगर निगम के मालिक हो आप, हमारे तो इसका समझ। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने इसलिए लिखा, 15 तारीख को सी ए का वो ना, सी ए का प्रोग्राम था, इस करके हम थोड़े से लेट हो गए। अभी हम चाह नहीं रहे थे, लेकिन परसों वहाँ एक ऑटो पलट गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चों को चोट लग गई, डेली हादसे होने लग रहे हैं वहाँ। हाँ जी, आप नहीं, आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता है मैडम जी? हाँ भैया, तुम वाला से? हाँ हाँ हाँ, हाँ।
चलो एक बार आप उसको कुलभूषण को भेजो, अगर हमारी सेटिस्फेक्शन होगी हमारा काम शुरू होगा, तुमसे बात करके आपको बताएंगे, ठीक है, ओके। बीजेपी के सीनियर नेता व जिला परिषद के पार्षद देव मलिक ने धरना प्रदर्शन के दौरान मौके पर ही मेयर अवनीत कौर से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन मेयर से संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि सभी फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को पूरा पैसा दे दिया जाता है लेकिन काम पूरा हुआ है या नहीं उसकी जांच नहीं की जाती है। और हम यहां पर जो मेयर का ऑफिस है कार्यालय सेक्टर 13-17 यहां पर इन कॉलोनी वासियों के साथ जो मुझे भी आना पड़ा यहां पे इनके साथ जो धरने पे बैठना पड़ा तो ये हमारी मजबूरी होगी। पिछले लगभग 8-10 महीने से एक पिछले 2 साल पहले बवाल लोड पर नाला बनाया था नगर निगम ने और वो नाला लगभग 70-80 लाख रुपये पेमेंट 70-80 लाख रुपये खर्च करके वो नाला बनाया और उस नाले का लेवल जो पानी की निकासी होनी थी वो जो पानीपत की जो ड्रेन नंबर 1 है गंदा नाला है उसमें डलना था, जबकि ठेकेदार ने पता नहीं किस तरीके से किस टाइप के इंजीनियर हैं या JEE ME पता नहीं फर्जी डिग्री ले रहे हैं, कोई इनके पास कोई असली डिग्री भी है या इनका कोई सारा दिन इनका कमीशन खोरी के अलावा कहीं दूसरी जगह इनका दिमाग जाता नहीं। इन लोगों ने उस ठेकेदार के साथ मिली भगत करके उसको पेमेंट कर दी पूरी और जबकि ये देखा नहीं इस नाले का लेवल कहाँ पानी जाना है, कहाँ भिजवाना था, कहाँ पहुँच रहा है, वो पानी उल्टा घरों में घुसने लग गया, उल्टा जहाँ से वो नाला बनाया था उल्टा उन्हीं की तरफ वो पानी का उसका फ्लो है और जिस वजह से सारी सड़क पर पानी भर गया। PWD की सड़क है, PWD के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई थी कल, इन लोगों के बीच में मैंने उनसे बात की थी स्पीकर ऑन करके, तो उन्होंने कहा था भाई हम 1-2 दिन में अपनी सड़क का निर्माण जरूर करा देंगे, तो मैंने उनको कहा भाई आपकी नगर निगम की आपकी लापरवाही नगर निगम के कर्मचारियों की वजह से आपकी सड़क टूटी है, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते। 10,000-15,000 लोगों का डेली आवागमन है, कई दिन से एक्सीडेंट होने लग रहे हैं, वहाँ चोट लगने लग रही, सारा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, बीमारियाँ पहले कोरोना वायरस का इतना भय और ऊपर से गंदगी और ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर तो हम उनको न्योता दे रहे हैं बीमारियों को और ये इन गरीब लोगों के साथ जीवन के साथ क्यों ये खिलवाड़ करें, मेरी समझ से बात की बात है। देखिए इस मामले में तो मैं तो सरकार का मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मतलब मैं कोई किसी बात को छुपा के या किसी बात को अगर कोई कहीं पर कोई अपना कहीं पर कोई काम अगर अपना उसमें किसी की कोई संलिप्तता है भ्रष्टाचार है तो ये मेरे को लगता है मैं इन लोगों के बीच में आपको कह रहा हूँ कि जो कर्मचारियों के खिलाफ जो एक उनको जो सज़ा देने का जो काम है ना उसमें कहीं ना कहीं पता नहीं शासन के तौर पर कहीं ना कहीं ढिलाई है और वो ढिलाई जब तक है तब तक ये इनके करप्शन को ऐसे ही बढ़ावा मिलेगा और मैं मानता हूँ कि सरकारी कार्यालयों से सरकारी कर्मचारियों से मेरा डेली का वास्ता है तो मुझे पता है मैं बिल्कुल आपके सामने ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि करप्शन कहीं ना कहीं फैला है बड़ा है कम होने का नाम नहीं ले रहा। धरने पर बैठे कॉलोनी वासी ने कहा कि नाले का पानी कॉलोनियों की ओर वापस आने के कारण गलियों और खाली प्लॉटों में पानी भरता है, यही पानी बरसात होते ही लोगों के घरों में घुस जाता है, कॉलोनी वासी लगातार गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। हम यहाँ धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जी हमने कई बार MC के वहाँ भी जाकर शिकायत कर ली, वे कहते हैं हाँ चलो ये कटेगा, ये नाला पूरा का पूरा छपा हुआ है और वो उसमें सफाई वाले आवे तो वो क्या कर सके छपे के अंदर, वो साफ नहीं हो सकता, तो इसकी सारी समिधा है कि ये इसमें कट लगने चाहिए जब इसका समाधान हो सकता है। कई बार झुट्टी आश्वासन है आप कटवाओगे कहीं कुछ नहीं करवाया अब तक, अब ज़्यादा समस्या ये होगी कि नाला फुल होकर कॉलोनी में बैक मारा लगा पानी वहाँ भरा लगा सड़कों पर जाकर देख लो आप, कितने दिन से दिक्कत हो रही है ये ज़्यादा तो 15-20 दिन तो हो रही और कहा भी उन्हें 2-4 बार कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी तो और बल्कि जो ये शिवनगर है रामनगर है और दूसरे एक दूसरा नाला था जो उसका लेवल सही नहीं है उसका पानी भी बैक मारा था वो भी इसी नाले में कर दिया जो रामनगर की साइड में है उत्तर दिशा में उसमें कर दिया, उससे ज़्यादा समस्या खराब होगी और भी क्योंकि उसका पानी भी उसमें आके तो उसमें जाम लग गया कतई और वो कॉलोनी में भरे लगा। कब तक बैठे रहोगे धरने पे? जितने हमारी समस्या का समाधान नहीं होता ना बैठे रहेगा, चाहे मैं 8 दिन हो जाओ 10 दिन हो जाओ 2 दिन हो जाओ वो तो उनके ऊपर निर्भर है कि वे हमारी बात सुने या नहीं सुनते। आज तो हम 10-20 आदमी आए हैं 20-30 और कल कुछ बच्चे भी आएंगे और भी आएंगे, आदमी बढ़ेंगे इसमें घटने नहीं,
सर हम धरने पे इसलिए बैठे हैं, हम रामनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 6 से आए हुए हैं सर, क्योंकि पानी है ना बहुत बुरा हो रहा है हमारे वहाँ पे रोड पे, कॉलोनी में भी भर चुका है पानी, रोड पे बहुत भरा चुका है, कई बार तो ऑटो पलट चुके हैं, बच्चों को भी चोट लग चुकी है इसमें। देखो कई गांव भी लगते हैं, जैसे राजा खेडी बबैल और आसपास के और भी गांव हैं, तो जी हमें तो बहुत ही समस्या हो रही है सर, पानी आगे जाने के बजाय ना तो वापसी बैक कॉलोनियों की तरफ ही आ रहा है सर, बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं, हम तो बहुत ही प्रॉब्लम है सर, इसलिए हम सबके ऑफिस पे आए हैं कि कोई हमारी समस्या का समाधान करे। वही कॉलोनी वासियों का कहना है कि बबैल रोड पर रामनगर के पास मेन सड़क पिछले 8 माह से टूटी हुई है। इस सड़क में से रोजाना लगभग 10,000 वाहन गुजरते हैं। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर लगभग 500 मीटर की टूटी सड़क पर बने गड्ढों में भर जाता है। अक्सर दोपहिया वाहन चालक फिसलने के कारण हादसों का शिकार होते हैं। कई बार निगम अधिकारियों और मेयर को शिकायत देने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining. जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल, हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगन। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ, अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर। स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर, खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, बालाजी शोरूम करिए आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सलोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।